तो दोस्तों साल 2012 में आई आमिर खान की एक फिल्म ने रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचाना शुरू कर दिया था और यह एक हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी जिस पर दर्शकों ने अपना भरपूर प्यार लुटाया था। तो चलिए दोस्तों हम आपको आमिर खान की उस फिल्म के बारे में बताते हैं जो 2012 में अजय देवगन और अक्षय कुमार की फिल्मों पर भी भारी पड़ गई थी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आमिर खान की फिल्मों के लोग दीवाने। आमिर खान भले ही कम फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन गजब का होता है और वे पिछले 3 दशकों से वह लगातार बॉलीवुड में सक्रिय भी हैं। वो अलग बात है कि उनकी पिछली कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं दिखा पाई लेकिन लोगों के बीच उनका क्रेज कम नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से दुनिया भर में अपनी गजब की पहचान बनाई है। तो दोस्तों आज हम आपको आमिर खान की उस फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जो साल 2012 में बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी और उस फिल्म का नाम तलाश है। यह हॉरर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी। यह फिल्म रीमा कागती द्वारा लिखित और निर्देशित थी। इस फिल्म में आमिर खान, करीना कपूर और रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में थे जबकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव और शहनाज पटेल सहायक भूमिका में थे। यह फिल्म रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार 50 करोड़ में बनकर तैयार हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी। बॉलीवुड इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 174 करोड़ 21 लाख रुपए था। दर्शकों को यह फिल्म बेहद पसंद आई थी। इस फिल्म में आमिर खान एक पुलिस अधिकारी की भूमिका में होते हैं जिन्हें एक केस की जाँच में करीना कपूर मदद करती है लेकिन आमिर खान को फिल्म के अंत में पता चलता है कि जो लड़की यानी करीना उसकी मदद कर रही थी उसकी बहुत पहले ही हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि यह फिल्म 2012 की 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी जो बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 2 और अजय देवगन की फिल्म बोल बच्चन और सन ऑफ सरदार पर भारी पड़ गई थी। कमाई के मामले में तलाश इन फिल्मों से आगे निकल गई थी।